वेलकम बैक गाइस टू माई न्यू वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme GT Master Edition के जनवरी मंथ के अपडेट के बारे में। तो यहाँ पर जो जनवरी मंथ का अपडेट है वो Realme GT Master Edition के लिए रिलीज़ हो चुका है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको इस अपडेट के बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ कि क्या इसका वर्जन होगा, क्या इसका साइज़ होगा, इस अपडेट में आपको क्या कुछ देखने को मिलता है, साथ ही बात करेंगे इसके Realme UI 4.0 के अपडेट के बारे में। तो गाइस वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, तो आप वीडियो को कम्प्लीट ज़रूर से देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिएगा विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिएगा इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि जो इसका न्यू अपडेट है इसका क्या वर्जन और क्या साइज आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। तो अगर बात करें यहाँ पर इसके नए वर्जन की, तो यहाँ पर जो इसका नया वर्जन है वो है C.13 का। ये एक ऑफिशियल वर्जन है, यानी कि एक स्टेबल अपडेट है एंड्रॉयड 12 का। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो 471 MB जो है इसका साइज़ देखने के लिए मिलता है। अब रियलमी ने यहाँ पर इसका ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट तो नहीं किया है इस अपडेट का, लेकिन यहाँ पर लगभग सभी यूज़र्स के लिए अपडेट जो है वो रोल आउट करना स्टार्ट कर दिया है और बहुत सारे यूज़र्स को ये अपडेट भी मिल चुका है। आपको आपके डिवाइस में अपडेट मिला है या फिर नहीं मिला है, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो दोस्तों अगर बात करें यहाँ पर इसके चेंज लॉक की, इस अपडेट में आपको क्या कुछ चेंज देखने के लिए मिलता है, तो जो सबसे पहला चेंज है वो आपको देखने के लिए मिलता है सिक्योरिटी पैच का। तो यहाँ पर एंड्रॉयड 12 का जो दिसंबर मंथ का लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच है वो यहाँ पर इसमें रिलीज कर दिया गया है। इसके बाद अगर हम बात करें इसके यहाँ पर दूसरे चेंजेस की, तो अगर आप इसके चेंज लॉक को देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो चेंज है वो ज़्यादा कुछ भी इसमें देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पर इस अपडेट के बाद इसमें सिस्टम के परफॉर्मेंस और इसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया गया है। सिर्फ यही चेंज लॉक जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। आप इसका जो चेंज लॉक है वो भी यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। तो सिस्टम परफॉर्मेंस और इसकी स्टेबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है, ये जो लाइन है यहाँ पर हर अपडेट में यहाँ पर रियलमी लिखता है, लेकिन ऐसा होता कुछ भी नहीं है। डिवाइस जैसी परफॉर्म कर रही होती है वैसे ही परफॉर्म करती है, उसमें कोई भी चेंजेस देखने के लिए आपको नहीं मिलता है। अब यहाँ पर बात करें इसके परफॉर्मेंस की, तो इस अपडेट के बाद भी मुझे डिवाइस में कोई भी ऐसा नया कुछ भी परफॉर्म करता हुआ नहीं दिख रहा है। जैसा ही डिवाइस पहले परफॉर्म करता था सेम वैसे ही पहले भी की तरह ही परफॉर्म कर रहा है। इसमें कोई भी यहाँ पर ज़्यादा एडिशनल कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है। जो ऐप ओपनिंग और क्लोजिंग स्पीड है वो भी लगभग वैसी ही देखने के लिए मिलती है जैसे यहाँ पर पहले अपडेट के देखने के लिए मिलती थी। और अगर बात करें इसके कुछ न्यू फीचर्स की, तो यहाँ पर कोई भी जो नया फीचर है इसमें ऐड आपको होता हुआ नहीं दिखाएगा। अब क्योंकि इसका एक रीज़न और भी है, क्योंकि यहाँ पर अभी Realme UI 4.0 का जो अपडेट है अर्ली एक्सेस का, वो यहाँ पर इस डिवाइस को मिलने वाला है। तो ये जो अभी नेक्स्ट वीक है यानी कि 9 से लेकर 15 जनवरी के बीच में Realme GT Master Edition के लिए जो अपडेट है वो देखने के लिए आपको मिल जाएगा इस डिवाइस में। तो अगर आप भी इसके लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। जैसे ही इस अपडेट के लिए फॉर्म ओपन होता है मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर कर दूंगा कि कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है और क्या कुछ आपको इसमें प्रोसेस फॉलो करनी है। तो ये सभी कुछ आपको मैं इस वीडियो में बता दूंगा। तो गाइज इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।